Hi guys, good morning and welcome back to my channel. After a really long time, I was super busy with my work, so I wasn't able to shoot any of the stuff. Also, lockdown mein zyada kuch kiya nahi. I was just sleeping, watching K-dramas, fanning over BTS and eating and gaining weight. And yes, baki to kuch kiya nahi. So I thought ki Ganpati Bappa aa rahe, so I should vlog. And I will be vlogging every day starting from today. Today is the 16th of August. और आज हम लोग के घर पे सब साफ सफाई का काम चालू है. And yes, let's get started with today's work. And let's see how we transform our house for Bappa. So yes, let's go. तो बापा के आने से पहले हम लोग का घर कुछ ऐसा दिखता है. वी हैव लाइक टू बेड्स एंड एवरीथिंग इन द अदर रूम. तो ये सब चीज़ें हटाना पड़ता है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोना डू टुडे. आज यही सब हटाने का काम करने वाले और साफ सफाई होगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग ने पहले बेड्स हटाने से स्टार्ट किया, विच इज़ लाइक द बिगेस्ट टास्क. सबसे बड़ी चीज़ वही है. तो बेड्स हटाए, बेड के अंदर का सामान सब कबर्ड्स और कहाँ कहाँ पे डाल दिया, जहाँ पे जगह मिला वहाँ पे. एंड कुछ सामान तो बाहर रखा था थोड़ी देर के लिए, तो पूरा सब जगह पे मैस है. और फिर बेड्स एक्चुअली पूरा खोलना पड़ता है. Hey guys, तो अभी हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया है. वी आर हैविंग इडली एंड चटनी फॉर ब्रेकफास्ट. एंड अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो दैट इज़ बिकॉज मॉम इज़ क्लीनिंग द वॉशरूम एंड बाथरूम एंड एवरीथिंग. एंड पंखे वंखे सब फुल स्पीड में चालू है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है. आई नो दैट, बट येस, बेयर विथ मी. सो गुड, थैंक यू टायर क्या फॉर दिस यम्मी ब्रेकफास्ट. ऑल्सो आज आंबोळ्या पण बनवल्यात घरी. सो आंबोळ्या, आमटी, इडली, चटणी, दॅट इज अ मेनू फॉर टुडे. घर पे बहुत सारा काम आहे, तो पूरा क्या बोलते उसको, स्वयंपाक, पूरा लंच डिनर बनाने का आइडिया हम लोग ने ड्रॉप किया. एंड वी आर ओनली हैविंग इडली चटनी टुडे. ऑल्सो लेट मी टेल यू, मैंने व्लॉगिंग और वीडियोज़ नहीं किए थे लॉकडाउन के पीरियड में भी. आई वॉज वेरी बिजी विथ माई वर्क. सोशल मीडिया हैंडल कर रही थी मैं आर्चरी ट्रिक शॉट टूर्नामेंट के लिए. सो आई वॉजंट एबल टू व्लॉग एनीथिंग, क्योंकि पूरा दिन मैं सोशल मीडिया पर थी उसके लिए. सो मेरा पूरा टाइम उसमें चला जाता था, तो आई वॉजंट एबल टू डू एनीथिंग. और मेरे को ऐसे स्लम्प में चली गई थी मैं, कि कंटेंट ही नहीं है मेरे पास. व्हाट आई शुड डू इन लॉकडाउन. और मैंने कुछ अलग किया भी नहीं है तुम लोग से. खाया है, पिया है, सोया है, काम किया है, वर्क फ्रॉम होम किया है. और BTS की फैन बनी मैं, दैट इज़ अ न्यू थिंग इन माई लाइफ. एंड आई एम थिंकिंग कि रोज़ ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग करूँगी मैं. लेट्स सी हाउ दैट गोज. साथ से शुभारंभ हो रहा है गणपति पापा के साथ. सो यस, ऑल्सो इस टाइम घर पे ज़्यादा कोई आने नहीं वाला है, तो आई थॉट कि आई शुड ब्लॉग, ताकि लोगों को भी देखने का मौका मिले कि क्या हो रहा है मेरे घर पर. सो लेट्स सी हाउ दिस गोज. फिर हमने सबसे पहले जो चीज़ की वो है हमारा जो गणपति पप्पा का मंदिर है, जो देवारा है, जो मेरे पप्पा के ग्रैंडफादर ने बनाया. उसको हम लोग निकाल रहे थे कबर्ड से, क्योंकि वो दो चार दिन में अभी साफ़ होके असेंबल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो वो सबसे पहली चीज़ हम लोग ने की. तो वो सब पीतल का सामान है, वो सब बाहर निकाला. सो नाउ दिस टेबल एंड दिस टेबल, ये दोनों टेबल्स इधर जाने वाले हैं. दैट टेबल इज़ गोना कम हियर एंड दिस थिंग इज़ गोना कम इन दिस कॉर्नर. सो ये पूरा सेट अप चेंज होने वाला है. फिर और थोड़ा साफ सफाई किया, और फिर मैंने सारे घर में लाइक पोछा लगाया है वॉल्स पे बेसिकली. तो सारे वॉल्स क्लीन किए. हम लोग के घर पे टाइल्स है पूरे घर में, तो वो इजी है थोड़ा
पोछा लगाना उस पर, तो वही सब किया। थोड़े हाथ भी दुखे बट वंस इन अ वाइल ये करना पड़ता है, सो नॉट एन इशू। हेलो, सो वी आर करेंटली इन दिस सिचुएशन, वी स्टिल हैव टू पुल द टेबल्स ओवर देयर, सी स्टिल ऑन दैट टेबल, सो दैट टेबल विल गो इन दिस कॉर्नर, देन वी हैव दिस टेबल एंड दिस टेबल एंड दिस थिंग दैट ऑल दिस फोर विल बी गोइंग हियर, तो जैसे ये सब चारों पे आ जाएगा दैट इज व्हाट वी विल बी डन। ऑल्सो यहाँ पर वो स्क्रीन लगाना है पीछे के बैकग्राउंड के लिए, सो दैट विल बी डन। फिर टेबल्स लगाना चालू कर दिया और फ्रेम लगाई, सबसे बड़ी चीज़ दैट इज़ फॉर द बैकग्राउंड। बप्पा के पीछे जो बैकग्राउंड होगा, वॉल्स पे डेंट पड़ जाता है, तो हम लोग ने ये फ्रेम एक बना के लिया है जिस पे पूरा डेकोरेशन जाता है हर साल, तो वो लगाया। फिर जो टेबल्स थे वो थोड़े और अच्छे से साफ़ किए एंड वो अपने जगह पे गए, और टेबल्स के पीछे एक्चुअली जो बेड का निकला हुआ पार्ट रहता है वो सारे पार्ट्स ये टेबल्स के पीछे चले जाते हैं, तो वो रखने का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सो आई एम टेकिंग अ टी ब्रेक राइट नाउ एंड हाफ ऑफ द स्टफ इज डन, टू टेबल्स आर हियर, थर्ड वन अभी बाकी है लगाना, सो यस वी विल डू दैट आफ्टर माय टी ब्रेक। टी ब्रेक के बाद पप्पा ने टेबल लगा दिया एंड थम्स अप फॉर हिम। फिर हम लोग ने वापस जो बचे हुए वॉल्स थे वो क्लीन किए, और इसमें मैं थक गई थी एक्चुअली। सो ऑलमोस्ट हाफ काम हो गया, तो अभी वी आर हैविंग लंच, तो लंच में है अम्बोड़ी, आमटी और इडली और चटनी, सो दैट इज़ वॉट आई एम गोना हैव। आई एम सो टायर्ड राइट नाउ, यू कैन सी ऑन माई फेस, पर या लेट्स हैव लंच एंड देन गेट बैक टू वर्क। सो अभी लंच हो गया हम लोग का, तो वी आर नाउ अगेन गोना क्लीन एवरी थिंग, और अभी मैं शोकेस क्लीन करूँगी, देन थोड़ा बैकग्राउंड का भी जो गणपति पप्पा के बैकग्राउंड के लिए जो तैयारी करना है दैट ऑल्सो वी हैव टू डू, सो वो अभी करेंगे। यस, तो ये मैस सारा जो है वो माइंड मत करना प्लीज़, बहुत ज़्यादा मैस है घर में अभी, सब जगह पर कुछ भी पड़ा हुआ है, कुछ भी सामान है एज यू कैन सी। और यस लेट्स गेट टू वर्क नाउ, लेट्स गो। फिर जैसे कि मैंने कहा, मैंने शोकेस क्लीन किया और फिर हम लोग ने डेकोरेशन किया, तो ये पर्दा लगा रहे हम लोग बैकग्राउंड के लिए। मैंने और पापा ने फिर वो कटिंग करके वो लगाना स्टार्ट कर दिया मम्मी के हेल्प के साथ, और बस वही फिर लगाया। उसके बीच में ये दूसरा जो ग्लिटरी टाइप का पर्दा था वो लगा रहे, तो दैट इज़ वॉट वी हैड डन। थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग भी लगाया, इस टाइम बहुत सिंपल सा डेकोरेशन है क्योंकि ज़्यादा कोई आने भी नहीं वाला है और बाहर मार्केट में जाने का टाइम भी नहीं है, और लॉकडाउन के वजह से वी आर नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन डेकोरेशन, तो जो घर में है वही सब यूज़ करके हम लोग ने डेकोरेशन किया है इस साल। मे बी ये चेंज भी हो सकता है, इसमें और एडिशंस भी आ सकता है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, पर अभी के लिए तो यही किया है हम लोग ने। So right now it's 4 and we have taken a chai break. I have my big glass of chai here and then almost sara kaam ho gaya hai. Ganpati Bappa ka decoration is time kuch zyada hai nahi, to background wala cheez almost sort ho gaya hai, but usme changes karna hai to wo thoda messy lag raha hai, to abhi chai break ke baad हम लोग उसको रिपेयर करेंगे, मतलब वापस से निकाल के सिर्फ लाइटिंग उसमें चेंजेस करना वो करेंगे, एंड देन आई थिंक वी विल बी डन। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन, अभी किचन के एरिया का थोड़ा साफ सफाई बाकी है, दैट दे आर डूइंग, आई एम नॉट डूइंग दैट, सो वो बाकी है बस, एंड देन आई थिंक आई विल बी डन विथ टूडेज़ वर्क,
And yes, I hope you are enjoying till now. And let's see आगे क्या होता है. तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मैसअप हो गया था, तो इसलिए हम लोग ने थोड़ा वापस निकाला और जो लाइटिंग थी वो थोड़ी नीचे ले ली ताकि वो विजिबल हो, क्योंकि वो फ्लावर्स की वजह से विजिबल नहीं था. तो वो किया हम लोग ने और फिर वापस से वो ग्लिटर वाला पर्दा वो सब लगाना पड़ा. तो इसमें थोड़ा डबल टाइम गया, पर नॉट एन इशू, हो गया वो अच्छे से. सो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है. अभी लास्ट बस इधर उधर सब सामान एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग. एंड या आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे. आई थिंक अभी और कुछ ज़्यादा काम नहीं होने वाला है, बट लेट्स सी. आई एम होपिंग कि और कुछ काम ना हो. एंड यस, आई विल सी यू इन सम टाइम. सो येस, वी आर ऑलमोस्ट डन विथ एवरीथिंग एंड नाउ आई विल गो होम इन टू द शावर, क्योंकि इतना थका हुआ है. आई नीड अ शावर राइट नाउ. सो आई विल डू दैट. एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आई विल बी ब्लॉगिंग टुमारो एज वेल. सो येस, स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप इफ यू लाइक इट. फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडिया, लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज यूजुअल. एंड येस, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाई.